ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। थालियां बजाती नजर आ रही ये महिलाएं एनएचएम की कर्मचारी हैं, जो इस बात से नाराज हैं कि वो पिछले 4 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। उसके बाद भी नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी द्वारा प्रदेश के 12,500 कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर भेज दिए गए, लेकिन इसका असर कर्मचारियों पर जरा भी देखने को नहीं मिला। बल्कि इसके उलट फरीदाबाद के 670 एनएचएम कर्मचारियों ने पहले तो टर्मिनेशन लेटर की प्रतियां जलाई, वहीं अनूठा प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने थालियां बजाकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। गुस्साए कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से पुराने जमाने में जब किसी के घर पर आधी रात को बच्चा होता था तो थालियां बजाकर आस पड़ोस के लोगों को जगाया जाता था, इसी सोच के चलते उन्होंने थालियां बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की है और उन्हीं थालियों को बजाकर अपना रोष प्रकट किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के मुताबिक वो लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 1 साल बीत जाने के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी, जिसके चलते वो पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। जिस तरह से घर पे बच्चा होता है और घर और परिवार में थालियां बजाई जाती हैं खुशी के लिए, लेकिन हम सरकार की सद्बुद्धि को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए ये थालियां बजा रहे हैं कि समय रहते हुए सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये थालियां बजाई हैं। जब बेटा होता था लोग थाली बजाते थे, लेकिन आज ये बेटियां विश्व गुरु बनाने जा रही हैं भारत को। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान को, मैं दादी जानकी को फॉलो करती हूँ और मैं जानती हूँ ये देश विश्व गुरु बनेगा और ये भारत की महिला ही इस देश को विश्व गुरु बनाएगी। मोदी जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये पेड़ बराबर छाया देता है बिना भेदभाव के, जिस तरीके से सूरज बिना भेदभाव के छाया सबको धूप देता है, ठीक वैसे ही आपको भी वो नीति अपनानी पड़ेगी। आपको इस प्रकृति से सीखना पड़ेगा कि ये कर्मचारी आज हड़ताल पे क्यों गए हैं। हम स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़ के जनता की सुविधाएं, जो बच्चों को टीकाकरण होता है, मिशन इंद्रधनुष इंटरनेशनल लेवल पे आप मिशन इंद्रधनुष के ढकोसले बना रहे हो, आप करोड़ों की प्रॉपर्टी का भट्टा बिठा रहे हो। हम कर्मचारी, हमारे बच्चों को रोटी नहीं चाहिए क्या? 12,000 रुपए तनख्वाह में हम काम कर रहे हैं, 19 साल हो गए, 19 साल में 19,000 भी तनख्वाह नहीं। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को, जब देश के हमारे बीच में आते हैं तो कहते हैं कि मैं सूद समेत वापिस दूंगा। मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सूद समेत वापिस दे रहे हैं आप? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर